गुड मॉर्निंग मित्रों, आज टॉपिक है प्रसरता। जो लास्ट में आप इक्वेशन जो था कद प्रसरण, तो कद प्रसरणांक विषय रेखीय प्रसरणांक विषय आप अभ्यास करवाना है। तो सौ प्रथम जो है प्रसरता की अंदर, तो वायु कद प्रसरणांक की स्थिति दर्शाता समीकरण पर आप गणतरी कर सकी छे। तो कोईपण स्थिति दर्शाता समीकरण पर आप कद प्रसरणांक अभ्यास कर सकी छे, बराबर। तेनु मूल्य अचल दबाणे तेना कद अने तापमान वच्चे संबंध दर्शाता कोईपण समीकरण पर मेळी शके। आपणे जे जोयुं तुं कद प्रसरणांकनुं समीकरण डेल वी बाय डेल टी पी, तो आ एवुं ज कहेवामां आवे छे कि अचल दबाणे कद अने तापमान उपरना कोईपण समीकरण पर आपणे कद प्रसरणांकनी डेफिनेशन आपी शकीए। हवे सामान्य रीते घन अने प्रवाही बाबतमां तेना कद प्रसरणांकनी गणतरी अचल दबाणे घनता अने तापमान वच्चेना संबंध दर्शाता समीकरणों परथी मेळवी शकाय छे। तो तेना माटे समीकरण अचल दबाणे घनता अने तापमान वच्चेना संबंध दर्शाता समीकरणों परथी मेळवी शकाय छे। ओके, तो हवे जोईए कई रीते। तो एकम दळ माटे आपणने विशिष्ट कद जो कद वी आपेलू होय अने तेनी घनता रो आपेली होय, तो ए बंने एकबीजाना व्यस्त होय छे। हवे ए कई रीते आपणे कही शकीए कि रो अने घन आपणे एकबीजाना व्यस्त दर्शाई शकीए? के धारो के आपणी पासे एक कद छे अने एनी अंदर एटम्स आ रीते गोठवायेला छे। ओके, अने ए कोई एक कद छे वॉल्यूम अने एनी जे एटम्स गोठवायेला छे एनी घनता रो आपणे दर्शाली छे। हवे जो आ कदने आपणे थोड़क वधारी दी, तो देखो कद हूँ जयरे एमने थोड़क वधारी दू छूँ, एटम्स आटला आटला राख, तो आ एटम्स रहे एकदम छूटा छूटा गोठवाई जाए आ प्रमाण। ओके, स्वाभाविक छूटा छूटा गोठी जाए तो घनता में घटाड़ो थी जाए। तो एकबीजा व्यस्त है, जो कद वधशे तो घनता घटी जाए, अने बीजी रीते कहते जो घनता वधशे कद घटी जाए, एकदम नजीक नजीक आता जैसे, बराबर। तो एक बने एक बीजाना व्यस्त हो। हवे जे डेफिनेशन आपणे लीधी ए प्रमाण जो है, तो कद प्रसरांक ने आपणे अचल दबाणे कद अने तापमान आपणे समीकरण पर दर्शाई शकीए। तो बीटा बराबर जो बीटा है ये कद प्रसरांक है, बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन वी डेल वी बाय डेल टी पी तरीके आपणे लई शकीए छीए। हवे एने आपणे रोना स्वरूप में दर्शावे तो माइनस वन अपॉन रो डेल रो बाय डेल टी तरीके आपणे लखी शकीए छीए। तो जे किस्सामां घन पदार्थनी घनतानी सममापणी तापमानना लांबा गाळा माटे अवગળ ભરેલી હોય છે ત્યારે કદ પ્રસરણાંકની ગણતરી આપણે રેખીય પ્રસરણાંકની અંદર કરવામાં આવે છે। ઓકે, તો હવે આપણે રેખીય પ્રસરણાંકની અંદર સમીકરણ લખીશું। તો અહીંયા કદનું આપણે રેખાની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું છે, તો હું તમને એક કદ દોરીને બતાવું। ધારો કે આપણા પાસે એક આ ઘન છે, ओके, आनु वॉल्यूम आपणे वी लईए छीए, परंतु आ एक त्रण अलग अलग रेखाओथी बने छे, एक एक्स में आवे, एक झेड डायरेक्शन में आवे, एक वाय डायरेक्शन में आवे, आवी त्रण अलग अलग रेखाओथी आ कद बनतु होय छे। तो कद बराबर आपणे शुं छे, लंबाई गुण्या पहोळाई गुण्या ऊंचाई आपणे दर्शाई छे, अने तेना त्रणे त्रणने आपणे एल तरीके लईए छे। तो एल वन गुण्या एल टू गुण्या एल थ्री तरीके आपणे दर्शाई शकीए छीए। ओके, तो ये कद आपणे आ रीते दर्शाई दीए। हवे ए कदनी वात करिए, तो कद उपरथी आपणे समीकरण मेळवी शकीए। आम तो एनो आपणे त्रणे त्रण आपणे सरवाळो पण देखाय, लंबाई पहोळाई अने ऊंचाईनी वात करीए। तो ए वी उपरथी आपणे समीकरण मेळवानुं छे कद प्रसरांक, बराबर। तो वी ने आपणे डेल वी बाय डेल टीमां कन्वर्ट करीए, मतलब कि आपणो जे जमणी बाजूनो भाग छे एनो पण आपणे टी प्रत्ये विकलन दर्शाईए। तो जो वारा पछी त्रणे त्रण एल वन एल टू अने एल थ्रीनो आपणे वारा पछी विकलन दर्शाईए छीए, तो प्रथम एल वननું विकलन दर्शाव्युं डेल एल वन अपॉन डेल टी इंटू एल टू एल थ्री, प्लस હવે એલ ટુની વાત કરીએ તો ડેલ એલ ટુ અપોન ડેલ ટી એલ વન એલ થ્રી પ્લસ ડેલ એલ થ્રી આ ઇન્ટુ આવશે, ઓકે, ડેલ એલ થ્રી અપોન ડેલ ટી એલ વન એલ ટુ તરીકે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ। હવે બંને બાજુ વી બરાબર એલ વન એલ ટુ એલ થ્રી વડે ભાગી દઈએ સમીકરણને બંને બાજુ, ઓકે। તો આ બાજુના જમ ડાબી બાજુના ભાગમાં આપણે વન અપોન વી વડે ડિવાઈડ કરીશું, એટલે વન અપોન વી તરીકે આપણે દર્શાવી દીધા છે, ઓકે। અને
जमणी बाजू आप एल वन एल टू एल थ्री वे डिवाइड कर दीशू। तो जो सौ प्रथम पहला टर्म्स ने अपने एल वन एल टू एल थ्री वे डिवाइड करिए तो एल टू और एल थ्री रिमूव थी जाए वच्चे शू वन अपॉन एल वन। आज रीते बीजा टर्म्स अंदर वन अपॉन एल टू और तीजा टर्म्स अंदर वन अपॉन एल थ्री मे। ओके तो मैं जे आप वन अपॉन वी डेल वी बाय डेल टी है ये तो आप शूँ कही कद प्रसंग बीटा तो आप बीटा तरीके दर्शाई दी है बराबर। अने जमणी बाजू की बात करिए तो वन अपॉन एल वन डेल एल वन बाय डेल टी प्लस वन अपॉन एल टू डेल एल टू बाय डेल टी और वन अपॉन एल थ्री डेल एल थ्री बाय डेल टी तरीके आप दर्शाई छे। तो धारो कि एल वन पहलू टर्म्स जो बताई है यने आप आल्फा वन कही बीजा टर्म्स ने आल्फा टू तीजा टर्म्स ने आल्फा थ्री तरीके। तो अँ आप सरवाड़ो आ मिस्टेक है एल वन प्लस सॉरी आल्फा वन प्लस आल्फा टू प्लस आल्फा थ्री तरीके आप दर्शाई है ज्या जे आल्फा वन टू और थ्री से परस्पर लंब एवं त्रण दिशा में पदार्थना रेखीय प्रश्नांक है। ओके आ अपने बीटा कद प्रश्नांक बतावे जयरे आल्फा बतावे शू बतावे रेखीय प्रश्नांक बतावे। तो आप लखी दी कि जो घन पदार्थ की समदिग्धर्मी एट्ल के आइसोट्रॉपिक हो घन पदार्थ जो कीधो से तो आल्फा वन आल्फा टू आल्फा थ्री तरह तरह सरखा हो जो क्यूब आप लीए थे बरबर जम के समघन की अंदर जुए तो लंबाई पोड़े ऊंचाई तरह तरह सरखी आप देता तो प्रसरण सरखू हो। तो आल्फा वन बराबर आल्फा टू बराबर आल्फा थ्री त्रेन आप आल्फा कही सकी तो आल्फा वन आल्फा प्लस आल्फा प्लस आल्फा एट के थ्री आल्फा आप लई सकी छे माटे बीटा बराबर आप थ्री आल्फा लखी सकी छे बराबर। हवे आ रीते समदिग्धर्मी पदार्थ माटेनी वात करी छे तमने एक मार्क में पूछी सके छे कि कद प्रश्नांक बराबर खाली जग्या रेखीय प्रश्नांक तो कद प्रश्नांक बराबर त्रण गुणिया रेखीय प्रश्नांक आप कही सकी छे। ओके तो आ रीते आप कद प्रश्नांक रेखीय प्रश्नांक वच्चेनो संबंध दर्शाई शकीए छीए।